हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर पे ही नेल एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से। तो सबसे पहले आप अपनी नेल पेंट को रिमूव कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए थोड़ी सी भी नेल पेंट, और अच्छे से क्लीन कर लेंगे पहले। उसके बाद बफर की हेल्प से आप नेल्स को थोड़ा सा बफ कर लेंगे। इसके बाद आप इस टूथपिक का यूज़ करके, या फिर अगर आपके पास टूल किट है नेल वाली तो आप उसमें क्यूटिकल पुशर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं उन सब चीज़ों से बता रही हूँ जो आपके घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो टूथपिक तो सबके घर में मिल जाती है। आप अच्छे से क्यूटिकल को पुश करेंगे, इसके बाद नेल्स को ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। जो नेल किट होती है टूल किट, ये वाली उसमें भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये मेरे बफर में ही इसके बैक साइड में है तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। जितना भी क्यूटिकल वाला पार्ट है उसकी जो डेड स्किन होती है वो ऊपर ही आ जाती है, तो आप उसको पहले से रिमूव कर लेंगे। इससे क्या है, आपका जो नेल का साइज़ है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसके बाद बारी आती है नेल्स को चूज़ करने की। आप अपने नेल के हिसाब से आप अपना साइज़ एक बार ही चूज़ कर लेंगे। ये वाले नेल्स मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। इसमें आपको 100 पीसेस मिलते हैं और साथ में दो ग्लू भी मिलती हैं। इस नेल्स का साइज़ थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको बफर की हेल्प से थोड़ा सा सही कर लिया। अब बारी आती है नेल्स को स्टिक करने की। तो ग्लू लगाते टाइम एक बात का ध्यान ज़रूर कर रखें कि आप जब भी लगा रहे हैं तो ज़्यादा इसमें ना फिल कर दें, क्योंकि वो पूरे आपके नेल्स पे फैल जाती है फिर ग्लू। तो आप बहुत थोड़ी थोड़ी सी लगाएं, जितनी है बस क्वांटिटी की ज़रूरत है। और एक चीज़, आप हमेशा थोड़ा सा आगे करके इसको लगाएं नेल को, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके जो क्यूटिकल है वो डैमेज नहीं होते हैं। फिर आप हल्का सा आप को थोड़ा सा आगे करके लगाएं। नेल लगने के बाद फिर आप अपनी कोई भी मनपसंद नेल पॉलिश लगा सकते हैं।
इसके बाद चाहे तो आप नेल आर्ट कर सकते हैं या फिर नेल्स को ऐसे ही रहने दीजिए। मेरा मन कर रहा था तो मैंने अपने नेल्स पे एक सिंपल सा डॉटेड नेल आर्ट कर लिया।